जी हमेशा हम लड़ने का काम किए हैं। आकाश यादव पर आपका बहुत भरोसा था और बीच में जो भी जो घटनाक्रम हुई उसमें कहीं ना कहीं उनकी वजह बताई गई, अब उन्होंने पाला बदल लिया है, क्या कहेंगे आपके लिए कितना सेटबैक है और आगे क्या कर रहे हैं आप? कोई बेइज्जती सा करके रहेगा संगठन में बताइए, मान लीजिए जो काम करेगा उसको बेइज्जती किया जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, सोशल मीडिया पर लंद फंद उसके बारे में लिखा जाएगा, तो कोई संगठन में रहेगा या आप रहोगे संगठन में? तो आप तो सर कह रहे हैं कि हम अपने छात्र जो युवा नेता हैं उनके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं, तो फिर यहां क्यों पीछे हो गए? हम कहां पीछे हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। अब कोई बेइज्जती सा करके नहीं रहता ना, तो उनकी डिसीजन है, कोई बेइज्जती सा के संगठन में नहीं रहेगा। संगठन को छात्र को नौजवानों को एकजुट करने के लिए और जिस तरीके से उनका काम करने का सलीका, आप कहीं भी गए उनको बधाई हो, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का वहाँ लोजपा में उनको मिला तो हम उनको बधाई देने का काम करते हैं। कहीं भी रहें तो छात्र के लिए हैं, आवाज़ बनने का काम करेंगे, किसी भी दल में रहें। अच्छा, एक सवाल है मेरा सर कि जगदा बाबू बता रहे थे कि वो मिलना चाह रहे थे आपसे, आप नहीं गए मिलने उनसे? कहाँ? उनके कार्य उनके चैम्बर में। तो हम तो चैम्बर में ही थे, तो जगदा बाबू आ जाते चैम्बर में अपने भतीजे से मिलने, क्या दिक्कत था? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।